चीन सीमा पर फिलहाल जो हो रहा है वो हम सब लोगों को थोड़ा बहुत पता है, और ये आज का घटनाक्रम नहीं है, ये पिछले 3 महीने से ज्यादा ये चीन अपनी रणनीति पर चल रहा है और वो चाहता है कि किसी तरीके से थोड़ा उत्तेजना हो, बातें बढ़ें, और अब ऐसे हालात लगते हैं कि तनाव कुछ ज्यादा बढ़ रहा है। इन सब बातों पर समझने के लिए मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से अच्छा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने खुद लगभग अपने कैरियर के 25 साल सीमा पर या उसके चीन से संबंधों को लेकर के समझा है, जाना है, देखा है और उनके साथ बिताया है, तो वो उनकी मनोविज्ञान को समझते हैं, उनकी रणनीतिक कौशल को समझते हैं और अपने काउंटर्स को वो समझाने की क्षमता रख सकते हैं। तो इसलिए बहुत बहुत पुनः स्वागत है गुरमीत जी आपका, आपने हमें समय दिया। आज जो हालात हैं वो किस तरीके के हैं और हम एक सामान्य आदमी उसको कैसे समझ सकता है कि चीन जो इस समय कर रहा है पूर्वी लद्दाख में या बाकी और जगह देश के अन्य हिस्सों में उसकी सीमा मिलती है, तो वहां हालात क्या हैं और हम उनसे कैसे निपटने में सक्षम हैं? अखु जी, सबसे पहले आपको जय हिंद, और बहुत खुशी है कि आपके प्रोग्राम पर आकर आपसे वार्तालाप की जाए। और ये समय तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण और पल हैं। पूरे भारत ने देखा कि किस प्रकार 15 जून की रात को ईस्ट लद्दाख में गलवान के इलाके में झड़प हुई। वो जो वॉयलेंट फेस ऑफ था वो एक ऐतिहासिक ना केवल भारत और चीन के बीच में लेकिन मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर में भी एक ऐतिहासिक दिन था। उस दिन भारत के 20 वीर योद्धाओं ने अपने शौर्य, साहस और बलिदान का जो परिचय दिया है। उसके अलावा जो बड़ी बात यह है, उस दिन जो पीएलए और चाइना का झूठ और फ्रेब का पुलंदा एकदम पूरा विश्व के सामने में आया है और ये पूरा दुनिया को और भारत को खासतौर पर ये समझ आ गया है कि पीएलए एक झूठ और फ्रेब का ही पूरा खेल है। चाइना तो सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर, मीडिया वॉर और लीगल वॉर में ही लिप्त है और किस प्रकार से ये अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये जो पीएलए है ना तो ये एक सेना है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की एक फोर्स है, और उनकी क्या काबिलियत है, क्या कम्बैट एक्सपीरियंस है, जहां उनकी क्षमता क्या है, खुल के एकदम सामने में आया है। और सबसे बड़ी बात उस दिन ये हुई कि जो चाइना और पीएलए के ऊपर में ट्रस्ट है पूर्ण रूप से टूट गया, क्योंकि चाइना और पीएलए दोनों ने ही मिलकर जो एग्रीमेंट्स हैं, प्रोटोकॉल हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनका उल्लंघन किया। अभी आज की अगर स्थिति हम देखें, उसके बाद की स्थिति देखें, तो ये स्थिति तनावपूर्ण है, बातचीत हो रही है और लगभग 16 से 20 बातचीत हो चुकी हैं, टॉक्स हो चुकी हैं मिलिट्री लेवल के ऊपर में, लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल के ऊपर में 5 बातचीत हुई है। उसके अलावा वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन जो एक डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर में होता है उसकी 4 हो चुकी हैं। एनएससी के लेवल के ऊपर में जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल है और चाइना के स्टेट काउंसलर हैं उनके लेवल के ऊपर में भी बातचीत हुई है। इसके अलावा जो भारत के एम्बेसडर हैं चाइना, उन्होंने भी जाकर सीपीसी के जो बड़े ऑफिशियल्स हैं उनसे मुलाकात की है, और हमारे विदेश मंत्री जी ने भी चाइना के विदेश मंत्री से बात की है। इन सब के बावजूद भी चाइना ने इन सब टॉक्स के अंदर में एक डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने तो बिल्कुल क्लियर कहा है कि आप कंप्लीट डिसएंगेजमेंट कीजिए, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को कीजिए जो 5 मई से पहले था। अभी देखिए ये सब कुछ चल रहा है और भारत ने तो 15 जून से अपनी जो तैयारियां थी और भी तेज कर ली थी, अपनी प्रिपेयर्डनेस, रेडीनेस को हर एक लेवल के ऊपर, एयरफोर्स, नेवी, सिक्योरिटी फोर्सेस, और मैं तो इस हद तक कहूंगा कि इकॉनमी के डिसीजन, पॉलिटिक्स के डिसीजन, डिप्लोमेसी के डिसीजन, और जिस प्रकार से भारत का जो यूएस और बाकी देशों के साथ संबंध है, साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन रीजन, इन सब के ऊपर में एक अलग से ही एक सहयोग नया उभरा है।
लेकिन देखिए इन सब बैकग्राउंड जो मैंने आपको बताया, इसके बावजूद चाइना ने 29 अगस्त की रात को एक हिमाकत की। एक साइड तो टॉक्स चल रही हैं, उस रात को इन्होंने ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की पंगेंगसो लेक के साउथ बैंक के इलाके के अंदर में। जो भारत की इंटेलिजेंस है, जो भारत का काम करने का तरीका है, जो अलर्टनेस है, जो तैयारी थी, उसके कारण भारत ने बहुत ही स्पीड से मूवमेंट की और जो एक डोरमेंट इलाका ब्लैक टॉप और ये जो थाकुंग के इलाके के आसपास है वहां पर जाके एरिया को ऑक्यूपाई किया। देखिए ये माउंटेन के इलाके के अंदर में ये जो हाइट्स होती हैं, पास होती हैं, ये जो डोमिनेटिंग एरिया होते हैं, इनकी एक स्ट्रेटेजिक सामरिक महत्वता होती है, क्योंकि अगर आपके पास में ये इलाका है तो आसपास के इलाके में आप डोमिनेट अच्छा से कर सकते हैं। और देखिए ये भी जो हिमाकत की चाइना ने, ये रात के वक्त में कोशिश की, और लेकिन भारतीय सेना एकदम अलर्ट थी और उन्होंने बाखूबी से इस इलाके को ऑक्यूपाई किया और उनकी जो नापाक हरकत थी उसको नाकाम किया। अभी जो उसके पश्चात में आज के दिन में दूसरी ब्रिगेड कमांडर टॉक हुई है। ब्रिगेड कमांडर का मतलब है ये उसी सेक्टर के बारे में बातचीत है। पहले तो जो बातचीत हो रही थी वो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल और बाकी लेवल्स के ऊपर में थी और वो पूरे ईस्ट लद्दाख की स्थिति के बारे में थी, लेकिन ये वाली बातचीत ये साउथ बैंक ऑफ पंगेंगसो के मुख्यतः इस इलाके के बारे में है। एक तरफ तो चीन ने अपना रिएक्शन दिया है, उनका जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है, ग्लोबल टाइम है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, उन्होंने तो जो उनकी आदत है झूठ की और प्रोपेगेंडा की, उसके तहत ये कहा है कि ये भारत ने उल्लंघन किया है, ये भारत ने प्रवोक किया है। लेकिन पूरा विश्व जानता है कोविड 2019 के बाद में कि झूठ कौन बोलता है, प्रॉक्सी का काम कौन करता है, और चाइना की क्रेडिबिलिटी तो पूरे विश्व में एकदम खत्म हो गई है। और देखिए बड़ी बात यह है, इस स्थिति के अंदर में भारत पूर्ण रूप से तैयार है हर एक चुनौती के लिए और हर एक चैलेंज के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो इलाका है, ये जो साउथ बैंक ऑफ पंगेंगसो, ये थाकुंग का इलाका, ये जो चुशूल का इलाका है, ये वही चुशूल, वही रदांगला है जो भारत को याद दिलाता है 18 नवंबर 1962 की, जब हमारे 13 कमाऊ के जो मेजर शैतान सिंह जी की कंपनी थी, उन्होंने किस प्रकार से उस वक्त में इस एल्टीट्यूड, 16,000 का एल्टीट्यूड है, हाई एल्टीट्यूड है, ऑक्सीजन भी की कमी होती है, सर्दी भी है, इन सब के बावजूद भी 18 नवंबर 62 को 5,000 से 6,000 चाइनीज ने हमला किया था और ये थे 120 सैनिक। 120 में से 114 ने अपनी प्राणों की आहुति दी, साहस शौर्य और बलिदान पराक्रम का एक वो उदाहरण दिया। तो ये जो इस इलाके की वीर गाथा है वो पूरा भारत जानता है और इस स्थिति के अंदर में भी भारत पूर्ण रूप से तैयार है किसी भी चुनौती। सर आप क्योंकि पूर्व उपसेना अध्यक्ष रह चुके हैं, देश के सभी सामरिक केंद्रों को समझते जानते हैं, तो ये खतरा क्या सिर्फ इस समय एक ही जगह पर है या अगर चीन कुछ हिमाकत करता है, उसको याद आपने याद दिला भी दिया है कि 1962 में जो हुआ है वो आगे भी हो सकता है और पूरी तरीके से देश उसके लिए तैयार है, 50 साल 60 साल बाद भी तैयार है और बल्कि और ज्यादा मजबूती से तैयार है, तो क्या आपको लगता है कि इस अगर चीन कुछ हरकत करता है, हिमाकत करता है, वो तो अपनी लड़ाई अपने अपने तरीके से लड़ रहा है, वो मतलब राजनीतिक रूप से भी कर रहा है, राजनयिक रूप से भी कर रहा है और स्ट्रेटेजिकली भी कर रहा है, खासतौर पर जो उसकी आप अक्सर चर्चा किया करते रहे हैं सलामी स्ट्रेटेजी, जिसको अगर सलामी स्ट्रेटेजी को मैं बहुत देसी भाषा में कहूं तो वो जो ट्रेड यूनियन की भाषा होती है, वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैकवर्ड, यहाँ ये दो टू स्टेप फॉरवर्ड वन स्टेप बैकवर्ड पर रहता है ताकि उसको कुछ मिला, तो वो अभी तक करता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में
क्या देश के अन्य हिस्सों पे भी कोई खतरा है उसके उसके एग्रेशन का? ये आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है कि चाइना का खतरा क्या है, थ्रेट क्या है, चैलेंजेस क्या है इस घड़ी में। देखिए, अगर आप ईस्ट लद्दाख को देखें तो हमने देखा कि अप्रैल के एंड से ही चाइना की जितनी हरकतें थी वो अग्रेसिव थी और प्रोवोकेटिव थी। एक जगह नहीं था, चार पांच जगह था, और ये उस वक्त हो रहा है जब पूरा विश्व कोविड से लड़ रहा है। और मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ ईस्ट लद्दाख में ही आइसोलेटेड और लोकलाइज नहीं है, उसी वक्त इसने सिक्किम के अंदर में नकुला में और अपना प्रॉक्सी जो इसका तरीका है, जो प्रॉक्सी वॉर करता है और जिस प्रकार से इसने गठबंधन किया है पाकिस्तान और नेपाल के साथ में, तो ये उस वक्त के अंदर में भी ऐसे ही एक मैं बोलूंगा इंस्टिगेशन की कोशिश करता रहा है नेपाल को प्रेशर डालने की कि वो नया मैप इश्यू करें, पाकिस्तान में पीओके गिलगित बाल्टिस्तान में एक डायमर बाशा एक डैम है उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसके अलावा मैं तो ऐसे कहूंगा कि पूर्ण रूप से जितना भी हमारे इंडिया और चाइना का बॉर्डर इलाका है उसमें जो चाइना की हरकतें हैं बड़ी हैं। इसने कई जगह में अपना जो मिसाइल का भी अपग्रेडेशन किया है, जैसे आप देख लीजिए जो मानसरोवर का जगह है जो हमारे लिए तो ये पवित्र और आस्था का बात है, मानसरोवर और कैलाश मानसरोवर का इलाका, उसके अंदर में भी इसने अपने मिलिट्री हरकत की है, मिसाइल की अपग्रेडेशन की है, रोड्स की उसमें इंप्रूवमेंट की है। इसके अलावा जो दोकलम का इलाका है, नाखुला का इलाका है और जो उसके एयरफील्ड है इस इलाका में, चाहे वो खोटान में उसका एयरफील्ड है उसका अपग्रेडेशन किया है। इस इलाके में J-20 जो लड़ाकू विमान है इनके जनरेशन 5 जो कहता है वो भी लेके आया है। इसकी हरेक रूप में हरकत बड़ी है। और देखिए, इसलिए जरूरी है कि हमको ना केवल ईस्ट लद्दाख लेकिन पूर्ण जो इंडिया चाइना बॉर्डर है इसके ऊपर में अलर्ट और प्रिपेयर रहने की जरूरत है। और भारत ने तो अपना जो इंटेलिजेंस का लेवल है, जो चाइना के ऊपर में एक पैनी नजर है, और मैं तो आपको एक इससे भी एक स्तर अगर ऊपर जाएं तो अगर आप देखें कि चाइना के जितने फ्रंट हैं वो सारे फ्रंट के ऊपर में एक चीज कॉमन है, चाइना की अग्रेसिवनेस और प्रोवोकेटिवनेस। आप देखिए, ये तो मिलिट्री की बात कर रहा हूं, इसके अलावा जो डिप्लोमेसिक इलाका है, जैसे जो डिप्लोमेट होते हैं वो भी एक वॉल्फ वॉरियर बन गए हैं, वो भी एक झगड़ालू तरीके से अपना काम करने लगे। डिप्लोमेसी में कोई झगड़ालू काम करता है क्या? ऐसा लगता है कि जो चाइना का संतुलन है, जो उसकी इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनल स्टेबिलिटी है, बौखला गया है और हर एक फ्रंट के ऊपर में उसी तरह कर रहा है। अगर आप इसको इसकी इनकी हरकतों को ईस्ट चाइना सी के साथ में देखें, इनकी हरकतों को साउथ चाइना सी में देखें, इनकी हरकतें जो ताइवान के साथ हैं उनको देखें, जहां इंडियन ओशन रीजन के अंदर में जो ये करने की कोशिश करता है, हर एक में आप उसकी अग्रेसिवनेस और प्रोवोकेटिवनेस को देखेंगे। ये जो चाइना की हरकत है चारों तरफ इस प्रकार है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, देखिए प्रधानमंत्री जी ने कितने सुंदर तरीके से 3 जुलाई को कहा, फिर 15 अगस्त को कहा, ये जो और इतने बिना नाम लिए कहा कि जो विस्तारवाद है वो चाइना ही करता है, और ये अपना विस्तारवाद की इसकी जो गति है, विस्तारवाद की इसकी जो हरकतें हैं, वो इस इलाके इस समय पे इजाफा ही हुआ है। और देखिए, आपने जो बात की इस्लामी स्लाइसिंग की, ये जो चाइना विस्तारवाद करता है, आप अगर इसी इलाके को आप बहुत बारीकी से देखें, ईस्ट लद्दाख को, तो तिब्बत के अंदर में ये 1950 से ही अनेक्सेशन करता रहा है, और 50 के युग के पहले वाले सालों के अंदर में ये एक्साइज चीन में आया और उसी वक्त में इसने एडवर्स पोजीशन शुरू कर दिया था इस इलाके के अंदर में, और 62 के बाद में लड़ाई के बाद में ये इस इलाके से पीछे नहीं गया जिस प्रकार जो ईस्टर्न थिएटर में गया था। और ये जो आपने बात कही इसकी जो डिलेइंग टैक्टिक्स है, चाइना ये जितनी भी नेगोशिएशन होती हैं, बातचीत होती हैं, इसमें एक ऐसा इलॉजिकल अनरीजनेबल पक्ष रखने की कोशिश करता है। जो 5वीं मीटिंग हुई थी मिलिट्री लेवल के लीडर्स के ऊपर में,
तो जब बात आई पंगेंगसो की और बात आई फिंगर एरिया की, तो उसने कहा कि म्यूचुअल और इक्वल डिसएंगेजमेंट होना चाहिए। और भारत ने तो स्पष्ट रूप से कहा था, देखिए हमको कंप्लीट डिसएंगेजमेंट चाहिए, हमको कंप्लीट रिस्टोरेशन चाहिए उस स्टेटस को का जो 5 मई से पहले था। और फिर भी ये डिले करता है, विघ्न डालता है। और अभी तो 15 जून और 29 अगस्त के बाद में चाइना पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये अनिवार्य है पूरे राष्ट्र को, पूरे भारतीय सेना को, कि हम हर रूप पे अपनी तैयारी, अपना प्रिपरेशन और किसी भी चैलेंज के लिए, किसी भी कॉन्टिजेंसी के लिए एकदम तैयार रहना। और भारत इस स्थिति के अंदर में, भारत की जो काबिलियत है, कैपेसिटी है, स्किल है मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत अच्छी है। हमारा जो एक्सपीरियंस है माउंटेन वॉरफेयर, अल्टीट्यूड वॉरफेयर, विंटर वॉरफेयर, उसमें बहुत ही अच्छा है। अगर कंपेयर करें तो चाइना का तो बिल्कुल भी कम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। और बड़ी बात यह है कि देखिए हमारे जो लीडरशिप ने अपना कमाल दिखाया है हार्ड डिसीजन में, रेजोल्यूट एक्शन लेने के लिए और नेशनल विल को आगे करने के लिए, वो बिल्कुल ही काबिले तारीफ है। कितना बेटुक, बेबाक और स्पष्ट तरीके से मैप इशू किया है सर्वे ऑफ इंडिया का लद्दाख के बारे में, जिसमें एक्साइज चीन को अपना इलाका बताया है। और पार्लियामेंट में 6 अगस्त 2019 को बिल्कुल एकदम क्लियरली कहा है कि इस इलाके को वापस लिया जाएगा एक किसी ना किसी समय पर। सर एक चीज है, चीन जिस तरीके के डिले टैक्टिक्स अपना रहा है, जिसका वो माहिर माना जाता है, लेकिन यहाँ अन्य रक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि ये अब उसकी फेलियर होती चली जा रही है, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से काउंटर किया है डिलेइंग टैक्टिक्स का, जैसे कोविड में अपनी तैयारी बढ़ा ली उस दौर में, उसी तरीके से यहाँ रक्षा के लेवल पे भी, डिफेंस के लेवल पे भी उसने बहुत सारी तैयारी कर ली, और अब वो चीन को महंगा पड़ रहा है। इस पर आपको क्या कहना है? डिलेइंग टैक्टिक्स उसकी उल्टी पड़ रही है उसको। अखु जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो चाइना की डिलेइंग टैक्टिक्स है, मैं तो बोलूंगा सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं, डिले के दौरान मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर और झूठ और फरेब का जो जाल है, इसके अलावा अपने प्रॉक्सीज जो उसके पाकिस्तान और नेपाल में जो कोशिश कर रहा है, उसका भी स्तर बढ़ा दिया है। इसके अलावा जो भी चाइना का ये एक वॉरफेयर टेक्निक रहा है कि वो इनडायरेक्ट तरीके से काम करना चाहता है, इसलिए इनडायरेक्ट तरीके से आपने देखा होगा जो एंटी इंडिया फोर्सेज हैं, जो चाइना लॉबी है, उसको भी चाइना अपने गलत तरीकों से इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। जैसे चाइना की इकॉनमी बड़ी है, तो उसने इकॉनमी का भी, इकोनॉमिक स्टेटस का भी गलत प्रयोग करने का शुरू कर दिया था, क्योंकि अगर आप बहुत बारीकी से देखें तो उन्होंने कई देशों को, विश्व के देशों को, खासतौर जो लैटिन अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप के इलाके हैं, पाकिस्तान, नेपाल और बाकी के इलाकों में उसने डेब्ट और लोन से इनके इलाकों पे कब्जा करने की कोशिश की है। एक पाकिस्तान तो कैसे उदाहरण है, जिसको कि उसने लोन, डेब्ट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के झूठ के अंदर में एकदम पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया है, उसको खरीद लिया है कि उसकी अपनी जो सोच समझ है वो बिल्कुल खत्म हो गई है, वो तो बिल्कुल एक क्लाइंट स्टेट की तरह हो गया है। तो ये सब कोशिशें चाइना इनडायरेक्ट वॉर और प्रॉक्सी वॉर और जो उसके 3W हैं, 3W मतलब 3 वॉर टेक्निक, मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर और लीगल वॉर, इन सबसे कोशिश करता है कि डिले करता रहे, ताकि दूसरा वाला आदमी उसको डिले टैक्टिक्स से और उसके दिमाग के ऊपर में अटैक करता रहे। इसलिए बहुत जरूरी है हम सब के लिए कि हम तो सत्य की लड़ाई लड़ेंगे, हम तो जस्टिफिकेशन की लड़ाई लड़ेंगे, हम तो अपने असूलों की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए बहुत सुंदर बात है कि अभी आप कंपैरिजन कीजिए, 15 जून को जो शहीद हुए थे उनका पार्थिव शरीर उन वीर योद्धाओं का, उनके परिवार उनके गांव में गया, उनका अंतिम संस्कार किया, उनको नमन किया,
और पूरे भारत ने इकट्ठा होकर उनको वो इज्जत दी जो सुप्रीम सेक्रीफाइस की होती है। और दूसरी तरफ चाइना, उसने तो मुंह से बोला भी नहीं है, उसने तो सिर्फ एक चीज बोली थी कि उनका जो कमांडिंग ऑफिसर है वो मरा है। उसके बाद में देखिए अभी अक्कू जी, ये जो अभी उन्हीं की चाल उन पर भारी पड़ रही है कि उन्हीं का जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, वाइबो वाला जो साइट है, उसके अंदर में जो ट्वीट आए हैं, पहले एक जवान की कब्र के बारे में पता लगा, उसमें पूरी डिटेल लिखी हुई थी, उसके बाद 36 का पता लगा, उसके बाद 106 कब्र का दिखाई दिया। हमारा लीडरशिप बिल्कुल फ्रंट लाइन पर गए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ले गए 11,000 फीट में, हमारे रक्षा मंत्री जी 13,000 फीट में गए 17 जुलाई को, और उनका तो कोई भी नहीं आया है। हमारी तो जो हमारे प्रधानमंत्री ने जाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ाया, उनकी पीठ थपथपाई, जो इंजर्ड थे उनके कंधों पर हाथ रखा, जिन्होंने अपने वीरगति प्राप्त की थी उनको मेमोरियल में जाकर उनको नमन किया, और उनकी तरफ देख लीजिए। तो इसीलिए तो उनके देश के अंदर में अभी जो ट्वीट आ रहे हैं वो इस प्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि चाइना हैज लॉस्ट द वॉर। आपको यकीन नहीं होगा अक्कू जी कि उनकी ट्वीट में वो बिहार रेजिमेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन वीर योद्धाओं को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये तो स्थिति एकदम उन पर उल्टी पड़ गई। आपने जो बोला था ना कि ये तो बिल्कुल उनकी बात बिल्कुल उनके ऊपर में ही भारी हो गई, ये बात सही है। और शायद उसी का नतीजा है कि आज जहां फिंगर फोर की बात हुआ करती थी, फिंगर फोर पे भारतीय सेना आ गई है, बल्कि आज की खबर तो ये है कि फिंगर फाइव पर भी उसका कब्जा है एक तरीके से, और उसके अलावा ब्लैक टॉप और बहुत जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है वहां पर हमारा कब्जा है, जो बहुत महत्वपूर्ण स्थितियां बताता है, दर्शाता है। लेकिन एक सवाल तो है ये, क्या अगर कोई तनाव होता है या और बढ़ता है तो क्या, क्योंकि चीन की समय विश्व के बड़े देशों से, बड़े कई देशों से, उसके बॉर्डर स्टेट जो है उसको 14 जो देश हैं उनके अलावा भी कई बड़े देशों से उसकी नहीं निभ रही है, तो क्या वो हमारे साथ आएंगे, हमारे साथ स्ट्रेटेजिकली सपोर्ट करेंगे, आपको क्या लगता है इस मामले में? देखिए पहली बात तो ये है कि कोविड 2019 के बाद में पूरा ही विश्व चाइना के अगेंस्ट में हो गया है। अगर चाइना के अगेंस्ट में हो गया तो इसका मतलब कि वो भारत के सपोर्ट पे है एथिकली। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें जो यूएन जनरल असेंबली हुआ था उसके वक्त में किस प्रकार कई देशों ने कहा कि ताइवान को पार्टिसिपेट करने का उधर में मौका मिलना चाहिए, और ये चाइना की वन चाइना पॉलिसी के बरखिलाफ था। उसके बाद जब हांगकांग में उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी लॉ लगाया तो 27 लोगों ने उसका 27 देशों ने उसका विरोध किया। अभी तो पूर्ण विश्व चाइना के अगेंस्ट में है, चाइना के पास तो मुट्ठी भर सिर्फ अपने प्रॉक्सी ही है। और आपने जो जिक्र किया 14 देश जिनके साथ में इनका लैंड बॉर्डर है, उसके उनके साथ में 12 के साथ में इसने पहले सॉल्व किया था, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से सॉल्व नहीं है। उसने अभी भी जो ताजिकिस्तान है उसके ऊपर में प्रेशर डाल रहा है कि जो पमीर नॉट के इलाके में उसको और भी जमीन चाहिए, जो उसकी भूख है ना विस्तारवाद की, वो अभी भी नहीं हुई है। और देखिए जो 8 मैरीटाइम बॉर्ड देश हैं जहां पर साउथ चाइना सी की बात है, वहां पर वो 9 डॉटेड लाइन से अपना मैरीटाइम टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के बारे में बता रहा है, और एक जो यूनाइटेड नेशन और पूरे भारत का जो एक है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, उसके बरखिलाफ जो कार्रवाई करता है साउथ चाइना सी के अंदर में, तो पूरा विश्व उसके अगेंस्ट में है। और आपने जो बात किया विश्व खड़े होने की, अभी आप देखिए कि किस प्रकार यूएस और इंडिया के जो संबंध हैं, बायलेटरल संबंध किस प्रकार बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से स्टेटमेंट है यूएस के प्रेसिडेंट की, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। लोग तो कहते हैं हो सकता है इलेक्शन के कारण है, लेकिन जो दूसरे जो कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट के लिए भी वो भी वही भाषा वही कंटेंट बोल रहे हैं। इसके अलावा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस जो क्वाड जो इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी के अंदर में जो हरकतों वाली
जो एक्टिविटीज हैं इनको भी अब देखें तो पूरा विश्व भारत के साथ में। लेकिन मैं एक चीज मैं कहना चाहता हूं, देखिए भारत का जो कोर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, जो भारत का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जो भारत का युद्ध है, वो हमको अपने आप से करना पड़ेगा और उसके लिए हम सक्षम हैं। उसके लिए जो कैपेबिलिटी कैपेसिटी स्किल चाहिए वो हमारे पास में है। और ये जो पूरा विश्व का सपोर्ट मिलेगा, ये यूएस का सपोर्ट मिलेगा, अब देखिए कि किस प्रकार से जो राफेल आए हैं, किस प्रकार से S-400 रशिया से आने वाला है उसमें एक्सपीडाइट किया जा रहा है, किस प्रकार से ड्रोन और बाकी जो सज्जो सामान है मिलिट्री का इसराइल से आने वाला है, किस प्रकार से जो नेवी के लिए जो बाकी एलिमेंट्स चाहिए, बाकी मेन इक्विपमेंट चाहिए, उसके अंदर में किस प्रकार से तैयारी चल रही है। तो ये तो एक अलग ही रीसेटिंग दिखाई देती है इस समय जब कोविड भी है और चाइना ने इतना अग्रेसिव और प्रोवोकेटिव स्टांस लिया हुआ है। चीन अपने आप को बहुत वल्नरेबल स्थितियों में रहा है उसको लेकर के, लेकिन आप इसको अक्सर कहते हैं कि चीन बड़ा खोखला सा है, ना ही उसके पास लड़ने का अनुभव है, ना ही पॉलिटिकल जो उसकी, क्योंकि चीन की पीएलए जो है और सेना लगभग आप एक ही मानते हैं उस तरीके के, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो क्या उसका बुरा प्रभाव चीन पे पड़ रहा है जिसका हमें बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है? जी पहली बात तो ये है कि जो चाइना की इंटरनल सिचुएशन है वो डेफिनेटली बहुत खराब है, क्योंकि जो उनका सिस्टम है उसके विरुद्ध में उनकी जनता अभी आवाज उठाने लग गई है, उनकी लीडरशिप उनके डिसीजंस के ऊपर में आवाज उठाना शुरू कर दी है। जिस प्रकार चाइना गलतियों पे गलती करता जा रहा है, चाइना की जो लीडरशिप है उन्होंने जिस प्रकार गलत डिसीजन लिए कोविड आने के बाद में, जिस प्रकार उन्होंने ब्लंडर किया है 15 जून को, और जिस प्रकार की उनकी हरकत है साउथ चाइना सी में, तो अपने आप को ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर एक फ्रंट पे वो अग्रेसिव और प्रोवोकेटिव है, तो अपने आप को वल्नरेबल तो कर ही रहा है, अंदर से भी वल्नरेबल है और बाहर से भी वल्नरेबल है। एक्चुअली चाइना अपनी ही सोच का शिकार है, अपनी ही गलत सोच का शिकार है। देखिए जो आपने दो शब्द इस्तेमाल किए, एक तो खोखला कहा, मैं तो बोलूंगा कि चाइना एक दिखावे में ही रहा है, एक मीडिया वॉरफेयर, एक साइकोलॉजिकल वॉर और एक प्रोपेगेंडा वॉर के सहारे एक दिखावा ही करता रहा है। असली सत्य क्या है ये तो तभी पता लगता है जब भिड़ंत होती है। जो भिड़ंत हुई थी 15 जून को गलवान के अंदर में, उसने जो चाइना का खोखलापन है, जो चाइना की का झूठ और फ्रेम का पहाड़ है, उसको पूरा विश्व और पूरा भारत के सामने में दिखा दिया। और इस इतना बड़ा काम करने के लिए जो वीर 20 वीर योद्धा जिसके अंदर में उनके कमांडिंग ऑफिसर साहब शामिल थे, उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि देखिए चाइना इसी दिखावे के ऊपर में, इसी प्रोजेक्शन के ऊपर में दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा था कि बहुत क्रेडिबिलिटी है उसकी, आप उसके ऊपर में ट्रस्ट करो, भरोसा करो, लेकिन ये पूरा तो भरोसा टूट गया। अभी इस भरोसे को बनाते बनाते न जाने कितने समय लगेगा। देखिए भारत तो सदा ही एग्रीमेंट्स का सम्मान करता रहा है, पिछले 45 ईयर से लास्ट जो LAC के ऊपर में झड़प हुई थी जिसमें मौत हुई थी वो था 1975। आप देख लीजिए उसके कितने सालों के बाद में ये झड़प हुई है, क्योंकि भारत ने एग्रीमेंट का सम्मान किया, भारत ने उनका ट्रस्ट किया, लेकिन ये दोनों चीजें अभी टूट चुकी हैं। और मैं तो ऐसे कहूंगा कि चाइना ने अपने ही हरकतों के कारण अपनी ये स्थिति बना ली है, जिसके कारण उसके ऊपर में इंटरनल चैलेंजेस भी हैं और एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हैं, और गलतियों पे गलती, झूठ पे झूठ, गलतियों पे गलतियां और ब्लंडर पे ब्लंडर करता जा रहा है। निश्चित रूप से हम ये मान रहे हैं कि हमारा जवानों का और देश का भी, मैं तो पूरे देश का मान रहा हूं, जोश हाई है,
और यही कामना करते हैं कि ये जोश पूरा हाई रहे, और अगर किसी ऐसी स्थितियां आती हैं युद्ध के लिए तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार हो। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इतना हमें समय दिया और बहुत ऐसी बातें बताई जिससे हमारा सीना 56 इंच का हो जाता है। बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद जयंत जी।